सलाम जी। सलाम जी। नाम बताओ, थोड़ा नाम की है? कमला। कमला जी नाम है। हाँ। मैं काल मंजू के सासर गया। हाँ। बात तो सासू या खैरी है कि जो टूमा को मारना हो, टूम मतलब है न्यारा करके बड़े पांच आदमी है बीच में, थारे जुआई ने, राजेश ने और मंजू थारी बेटी ने टूम संभाला दी। इपर तारो के खेण मर के खनो है, मर खाता चेक करो, मेरी पेटी चेक करो, जब ला दूंगी तो दूनी दूंगी मार, अगर हो गए तो मेरी बेटी ने भी मार दी और तुम्हारा को भी आरोप मारा परी मकान भी थे दिवायो वन। मकान दिवायो ना सुनो। हाँ। मकान भी थे दिवायो। हाँ। जुए भी थारा खेने में हो। हाँ। बेटी भी थारा खेने में ही। हाँ। भैया खरे कि मारो घर जो बर्बाद हो है वो पूरो रोल मतलब मंजू की मम्मी को, और पूरा रोल है मंजू की मम्मी को और बेखा भाई को विक्रम को। ये पर तौर के खेण है ये मार खेण है ना तो मार कहे मकान लियो अच्छा और ना मार खाना मार छोरी छोड़ी में ताए कि मैं के तो तू जा और और आज ना एक पापा कन विदेश भी फोन करी है मन मकान ले दे मम्मी को लेके दे और बड़े विक्रम नाम हर बठे की फिक भरा आप सामान गाल के न लायो है तो रूप रूप करो चलो डानी म चलो तरस तो ब खरे के मकान भैया खरे के मकान ही सिर्फ पे बने थे दिवे सुल्तान थारा नजदीक बोले मैं तो मकान दिया था तो हां मैं झूना दिया था झूना ले जर मो झूनो मार कानी पीठ पड़ा टब छोरी बुराल है अठे तो कना राजेश जी ते सजा में संभाल लेंगा रोज ना मार तो एक दिन तो भी सुसन मारी एक दिन भी नंद मारी एक दिन जी पेट में पूरा मकान बिल या कही और यह आज भी खा में मकान राजेश जी तो मकान लियो है और राजेश जी बठे के डाणी की पिकअप करके सामान गाल की लियो। अच्छा सामान की बात भैया कह रहे हैं तीन दिन भी सामान के गांठड़ा बनेड़ा और मेरे छोरी ने कही अजय दोनों बाण भाई तू भाई ने ले तू अजय जन भाई बोली बोली ते लिया हूं मैं क्या करूं बोलो मौसम खराब हो रहा है मौसम खराब हो रहा है तो बोले सामान भी जागो मन तो बोले सामान खड़े तीन दिनों का पीपली क्यों काट दू अब जो थारी सगी यो आरोप लगा रही है कि सामान लेने जुआई भू और साड़ो तीनों एक साथ आया राजेश आके रूम में मतलब फोन देख लगो और बस साड़ो और मतलब बाकी भूर थारी आंखी भाण बह मतलब सामान पूरा पिकअप में लोड करियो है और मेहमान मना भी करियो के थे घर छोड़ी मत जाओ बिका बावजूद हमारी कुछ सुन लो लेके चले गए कोई पिकअप वालो है और शायद धर्मदेव रख रहा लियो साहब विक्रम नाम है और बठे की पिकअप है बीच छोरा सामान दे रियो है राजेश जी साथ लाके सामान दे रियो। अच्छा टुम्मा की बात भैया खरे है कि मंजूर आने के बाद में कोई प्रोग्राम में उर गई होगी अठे। हाँ भी प्रोग्राम में बट टूम पे रहे भाई स्टेटस लगाए भाई स्टेटस का भाई पड़ोसियां भी स्क्रीन शॉट मार रखे हैं पड़ोसी बड़े हाँ भाई दिखाया नंबर से स्क्रीन शॉट दे रखे हैं गई जानी आनी हुई ना जद ही मेगा ली भी आज मारी भी ग्यारह टूंगा लेडी मेरी बेटी के और पांच पांच दोनों से गया कहीं और बट्टे उकत से इन हर गुंठी हर गड़ी है थारी गड़ी हुई मारी गड़ी अब बही गड़े बाकी नहीं मारी खुद की मारे कान की बाली गुन मारा करा आरोप ये लगा रही है कि वो मकान जो है ना ये मकान का डबल गेट ही तो ये साजिश है तहत भी ने उरे लिया की और बन मतलब दोनिया ने मारने का आरोप थारा पर लगा रही वो तो क्यों भी लगा दी बस सिखा के ना बेटा नहीं और बेटो 400 भी सीकर के नहीं छोरो न्याऊ को नहीं भाण और बाप दोनों सिखा के खिना की और मेरे छोरी दुकान वाला नीचे दुकान वाला को खुआ देंगा दिन के नीचे जाके बैठे है नाश्तो करके गए है पावले मन रस्सी दो दुकान वाला है बोला के काम में लेगो तू आज रस्सी सुबह की बात है हाँ जो कई दिन ही अच्छा बोले बिलगनी बनूंगो बिलगनी मेरी छोरी सब्जी बनाओ ही और फुलू छाला ने बुझ लियो थानेदार आके गैस बंद चालू गैस है मेरे छोरी तो कड्डी को और गैलू आके रस्सी को गाली गल में और पाप भीत के बिड़ा गई छोरी ने तो पटकी है रसोई में और आप जाके कोठे में पंखे लटके हुए तो भाई मतलब जैसे मकान उरे रज रजा ले लिए हो भी के बाद बाकी की बात हो गई है की अठे मारागत कोई बात को नहीं कोई बात को नहीं और तीन साल हो गए मेरी बेटी के बयान राशन कार्ड में बाखो नाम को नहीं आधार कार्ड में मार्गन दो बार नोशी कटोली क्यों कटवाई बा मार छोरी को नाम ही नहीं लिखो आजना ये मार छोरी को ज्वाइनिंग आओ बैठो जोधपुर में मारा कागज जमा करा दिया बिक लिया बार तो बो करके तो बन गहूँ कड्डी है इनाई बेर पड़ गए कटा बटी करो वो क्या काम पिलाने का नहीं की दियो ठीक है बेटा ने 5 किलो की तुम अठे गैलरी छुट्टी में दियो और आज भी तड़के बरनी खोली और फुलिस खुलवा लियो 1.5 किलो की मेरे को लगी है परसों मेरी बेटी भैया करेंगे मैं कॉल डिटेल कॉल डिटेल करवा के दे देशा मेरी बेटी की और मेरो और मार सक खाता चेक कर ले मार गंटो में अच्छा बात झूठ है हां ये वो तो परिवार है
क्यों भी खदे को ठीक बात है। अब थारो भाई जो इतना थोड़ा आरोप लगे बाप तर के खणो है एक ही लाइन मारो खणो हमार न तो न्यास आए 30 साल की मेरी बेटी दे दी और सगला रो मारे पर के तो फैसलो जानो चाहिए और ना 3 साल वो बेटी छोड़ो और पाल्या बिन मैं मारूंगी पास बांग दे किसी बर्दाश्त हो मन न्यास आए तो एक बार तो मारनिया मरनिया बतो दोनी गए एक बतो बग गया तो आ मारे क्यों मारी मेरी बेटी ने आपको तो मारे कोई रोली को नहीं हो बस समलाई थाने दिया हा बस हाई था रखने बे तो हाँ सावा है ना बे तो ना बत्ते ही है बुझ लो ते का एकदम नाम क्या कौन सा डारा के बिचारी ठीक है ढाई साल हो गए हम राशन कार्ड में ते नाम लाजा को नहीं मेरी बेटी को जनाब ते मान जे आधार कार्ड में नाम ला जा तो ते मन मान जे तो मारो तो गांव जवाई ने बढ़नी गुंदे था पर फोन ही करे जवाई में कर लाग रही फोन करे ही खाख लांके डाणी गो रूप रूप करवा दूंगी बिको बाप जाके बुला के लाए है और भी माना कहे बोलते एक मौको दे दो छोरी खिना दे मो बली को बाप आओगे ना ओली पली कोई फैसला को नहीं एक बाप कन विदेश फोन करे भी छोरा राजेश जी बोले पापा मेरी बोली बड़ी गलती होगी मैं तेरी छोरी ने मार ली आइंदा हाथ को उठाऊ पहले दिन वो मशीन मारी है पुलिस घर आई है आप ही तो मशीन मार ली आप ही पुलिस ने बुला ली और बोले तू बयान दे दे अस मैं दूर लिया गई पहले मन मारी पा मेरे मोटे ने मारी बा बोले जूठी न्याय मैं खुन करू मारपीट करी कोई मतलब करियो फोन करियो भी फोन करियो के मामलो तो गंभीर हो गया मान दिन गई मेरे पट्टे मन रात तो पापी को फोन ही खोस लियो पापा सारा बताओ ना पड़ोसी सगला होशियार जी सरपंच सरपंच सगला जाके और हाथा जोड़ी करी बोले ते इबके इबके मेरे खंड छोड़ देते सोरे की नौकरी से ली जाएगी ना मेवन जो कई दिन सालों कर देता थाने बेरोक नहीं गई इतना बड़ा हादसा हो जाए ना इबके को मरने के बेर हो ठीक बात है मान बेर तो मैं मर छोरी खिला दें के 30 साल की बेटी दे दें के मन में ठीक बात है थोर नाम बताओ मेरा नाम विक्रम है साहब विक्रम जी नाम है मैं पर यही खाना की कॉल रिकॉर्डिंग है बस आप कटवाओ सामने ले आओ सामने ले और मैं मेरी भाण को गड़ाणो चाहूं भाण तो मारा ठीक बात है भाण न मारा ना मैं तो बण की यही है कि भाई वे कोई थप्पड़ मारी देना मैं बण यही कही कि घर मत खराब करो तारो घर बान लियो मारी कोई जरूरत है तो ठीक है ना मानने भी भूल जाओ एक जगह जाओ एक घर बांध लो मैं तो इतनी बोलियो कि जान से मारने की धमकी देना ये गलत बात है साहब जयपुर इस तरह से गलत है सर आप ये मकान थे दिवाए हो बाप के हिसाब में लियो मकान साहब बस हो ना लिया बोले मेरे चाचो में बात कर लियो मेरे चाचो रहे बड़े जा मो राजेश जी जोन न मत जाऊ मान लो ते तो डूटी पे चले जाओगा जोन न मत जाऊंगो तो आधो दिन लगेगा और सुल्ताना में डेली मेरे ड्राइवरी करूँ मैं सुल्ताना डेली जाऊँ छा दूध भी ला दूंगा बता चीज चाहेगी भाभी मिलेगी और ते न रहोगा ना कहना भाई शाम के मेरे साथ घर भी आ जा जोन तो अलग रहो बड़ी दूर रखो दना बोला ठीक है सुल्ताना ले लो दो दिन में होगा वह सामान पैक कर लियो मैं जो पैक कर लियो जना वो पंडित जी ने कोई बुद्धि बोले भी तुआर ने गे लियो जना वो सामान लिया है और राम राजी खुश ही रही मान कोई पूरा रहने के बाद में कोई फोन पे आया उनके की मैं आया दुख पा रहा है हमारी लड़ाई है मान सुबह में 8 बजे भी दूध दे के आये हूँ मान कोई एहसास को नहीं होने दिया साहब अच्छा यो आज सोच रहे हो जाना था या चीज की सूचना दी कौन था नहीं आसो योजना इस चीज की सूचना मम्मी दिनी मैंने फोन करियो कि भाई फोन कुंठारी बड़े कोई शहीद की रैली में जा रहे हो मैं अच्छा बोली भाई फोन कुंठारी जना मो पापा को इमो पर फोन आ रहे हो वना कुंठायो हो जना मैं करियो ना मेरे भी कुंठायो पा मैं व्हाट्सएप पर करो कुंठायो जना मैं कन्न सुल्तान ही तो हो मैं चलियो गो जना वो पैडो खुड़कायो ना वो खोलियो को नहीं गेट को खोल साकड़ लाग रही जना मैं मकान मालिक ने गयो मोर कोई रस्तो था बोले और कुनिया चिटकनी सरकार ले खुल जाओ पर वो पेड़ो खुल गो पेड़ो खुल गो जना मैं मकान के जो मैन गेट ना पलाई को बोर्ड को बिन खुड़कायो जना कोई बोलियो को नहीं सब खिड़की बंदी फिर मैं नीचे आयो हूँ और मैं दादो जी मैं जी सरपंच जी बन मेरे सगड़ा बड़े ही खड़े आया शहीद की रैली के लिए बनना फोन करियो मैं भाई मकान कौन खोल दी ना फोन ठारी दादा ते बरा हो दादो आयो है पवना व जो जितना बड़े बैठे आना बस सगड़ा आगा देना बस गड़ा कोई खुड़का करे ही कोई जंगलो खोल के देखियो तो वो जंगलो एक छोटो ही खिड़की खुल गई भी खिड़की खुलता ही बनना बहुत दिखिया है रस फंदो लटकाएडो राजेश जी भाई बड़े दिखी खुनी देना बस गेट का धक्को मारे है देना बस दादो पुलिस ने फोन करियो पुलिस ही गेट खोलियो है अच्छा मंजू कारबा का फोन खड़ी पुलिस के नहीं अच्छा पुलिस कंज मई हां मैं तो यही कही कि साहब अन फोन ना बेरो पाड़ो के इनकी क्या कंडीशन में आया हुई है मैं तो नहीं कह रहा कि भाई की जांच हुई था पूरी की के साहब
के मस्कदू है यो काम करियो है कौन करियो है। अच्छा अभी देखो मैं पूछिया हाँ सुल्ताने के मंजू को दो मौत हुई ही भी मामला में आप पूछिया गिद्धाड़ानी मंजू को गांव है ससुराल है बिको चारावास ससुराल जो आरोप लगाया वह थान दिखाए ही मंजू की जो मम्मी है वह आरोप लगाए वह मैं थान दिखाए ही और वो विक्रम जी जो मंजू का भाई है वह जो बात बताई वह भी मैं थान दिखाई ही ये पर तारीख के राय है कमेंट करके जरूर बता दियो।